संबंधित समस्याओं को लेकर के अपने ही गांव में कई बार क्रमिक धरना प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन आज तक गांव की सड़क संबंधी समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने पूरे गांव में पोस्टर के जरिए अपना दुख जताया। आपको बता दें कि जन टीवी ने डुमक गांव की सड़क संबंधित समस्या को कई बार प्रमुखता से उठाया, जिसको लेकर के डुमक गांव के ग्रामीणों ने जन टीवी का दिल से आभार जताया। ग्रामीणों का कहना है कि एक जन टीवी ही है जो बार बार पूरे क्षेत्र की समस्या को समय समय पर दिखाता है और शासन और प्रशासन को अवगत भी करवाता है। कल हमारे गांव में एक बैठक बिठाई गई, इसका निष्कर्ष निकाला गया कि इस बार डुमक गांव में वोट बहिष्कार होंगे। और सभी मीडिया भाई लोगों का भी धन्यवाद करती हूं और जन टीवी का भी धन्यवाद करती हूं। मैला मंगल दल की ओर से भी, डुमक गांव की ओर से भी और युवा भाइयों की ओर से भी, जिसने हमारी खबरों को शासन प्रशासन तक पहुँचाए। हमने संघर्ष समिति की ओर से उन लोगों को तय दिल से धन्यवाद देता हूँ और जन टीवी और नवीन भंडारी जी को भी तय दिल से बधाई देता हूँ, जो हमारे इस आंदोलन में उन्होंने अपने मीडिया प्रचार प्रसार के साथ इन्होंने हमारी बात आगे तक पहुँचाई। इसके लिए हमारे संघर्ष समिति तह दिल से आभार करती है। लंबे संघर्ष के बाद स्वीकृति भी हुई और उसके बाद जो गतिरोध था वो भी समाप्त हो गया था, लेकिन PMJSY कार्यदायी संस्था ने फिर पता नहीं किन कारणों से भटका दिया। अभी तक कार्य शुरू नहीं किया, तो लोग हताश होकर के फिर पुनः जो है आंदोलित हो गए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसका मीडिया में काफ़ी मीडिया कर्मियों ने काफ़ी इसका सहयोग किया, प्रचार प्रसार किया, विशेषकर जन टीवी बार बार इसमें जो है हमारी समाचार को दिखाती रही। हम आभार व्यक्त कर कल हमारे गांव में एक बैठक बिठाई गई, इसका निष्कर्ष निकाला गया कि इस बार डुमक गांव